दोस्तों नमस्कार, मैं रमो सिंह। कौन ताम्रकार सही बोल रहा है, कौन झूठ? अगर इस बात का फैसला आप लोगों को करना पड़े तो आप किसके पक्ष में जाएंगे? कल रात सतना शहर के वार्ड नंबर 42 निवासी भरत लाल ताम्रकार का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। उन्होंने दो वीडियो भी भेजे हैं। उनके घर के सामने सीवर लाइन बिछाने वालों ने खुदाई की और पानी की मेन लाइन तोड़ दिया। उन्हें जब यह आभास हुआ कि पानी सप्लाई की मेन लाइन टूट गई है तो सीवर लाइन खोदने वालों ने पानी की पाइप लाइन के ऊपर मिट्टी और गिट्टी डालकर निकल लिए। पहली समस्या भरत ताम्रकार ने यह पानी के पाइप लाइन की बताई। दूसरी समस्या उन्हें यह हो रही है कि वह इस खुदाई के बाद अपने घर के अंदर नहीं जा सकते। जो घर के अंदर है वह बाहर नहीं आ सकते हैं, जबकि महापौर योगेश ताम्रकार ने संभवतः यह घोषणा की थी, यह आदेश या निर्देश जारी किए थे कि बारिश के मौसम को देखते हुए लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए सीवर लाइन की खुदाई नहीं होगी, सड़कें नहीं खोदी जाएंगी और जहां सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है वहां की सड़कें आवागमन लायक बनाई जाएंगी। मगर सीवर लाइन के लोग बारिश में भी सड़कें तो खोद रहे हैं। क्या सीवर लाइन ठेकेदार ने महापौर का आदेश नहीं माना? अब यहां आप लोग तय करें, भरत ताम्रकार सही है या योगेश ताम्रकार।